रहीम। और आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला, अपने अपने घरों में शाद व आबाद होंगे। आज मैंने हस्बे वादा ईद के स्पेशल खाने में मैंने वादा किया था मैं नहारी इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी ज़रूर, तो ये आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं लाई हूँ चिकन नहारी। तो चिकन नहारी की तैयारी के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए ये चिकन का गोश्त तकरीबन आधा किलो, इसके अंदर ये दो टमाटर और प्याज, ये दो प्याज। इसके बाद इसमें नमक हसबे जायका, मिर्ची रेड पिसी हुई हसबे जायका, और ये हल्दी एक चम्मच। और गार्निश के लिए ऊपर से मैंने हरी मिर्ची ली और ये हरा धनिया रखा हुआ, ये हरा धनिया लिया मैंने गार्निश के लिए। उसके बाद ये गरम मसाला है, ये तमाम गरम मसाला है, ये है कलौंजी और ये है आटा, वाइट आटा जो होता है, और ये है ऑयल तकरीबन एक कप। और ये मैंने इसको मज़ीद जायके को अच्छा बनाने के लिए मैंने ये नहारी मसाला छान कर लिया है, जिसके मैं दो चम्मच डालूंगी। ये जो आपको मैंने ये मसाला दिखाया है ना, ये तो मैंने पीस के इसमें ऐड करना, लेकिन इसको मज़ीद जायके वाला बनाने के लिए मैंने ये नहारी मसाला लिया है, शान का, शान का नहारी मसाला लिया, इसके मैं तकरीबन दो से तीन चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी। तो फिर आप इंशाल्लाह देखिएगा जायका बिल्कुल सेम बाजार जैसी नहारी का आएगा। तो अब तैयारी के लिए मैं अभी आपको बताती हूँ कि अब हमने किस तरह इसकी तैयारी शुरू करनी है। देखिए ये मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया, ऑयल के अंदर मैंने चिकन डाली। अब चिकन के अंदर मैंने लहसुन अदरक का ये पेस्ट मैंने दो चम्मच भर के डाल दिया। अब ये हल्की हल्की ब्राउन सी शेड में आएगी तो मैं इसको निकाल के फिर इसके अंदर प्याज ब्राउन। ये देखिए ये मैंने ब्राउन कर दिए चिकन, लाइट ब्राउन कलर आ गया, इसे ये निकाल लिया मैंने बाउल में। अब इसके अंदर ये मैंने प्याज डाल दी, प्याज डाल दी मैंने। अब फिर प्याज ब्राउन करके मैं निकाल लूँगी, इसी में से थोड़ी सी मैं गार्निश के लिए भी निकालूँगी और बाकी पीस के मसाले में ऐड। मसाला मेरा तैयार है, अब मैं इसके अंदर ये चिकन डालने लगी। चिकन थोड़ा सा भून के थोड़ा सा भुन जाएगा, थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर मैं इसके बाद आपको आगे और बताती हूँ। मैं ये देखो बेटा ये गल गई है बोटी, भून लिया मैंने, भूनने बाद एक इसमें मैंने कप पानी डाला था, ये पानी मैंने, और इसके बाद ये गल गया। अब जब ये गल गया है ना, उसके बाद मैं ये जो रखा है मेरे पास, ये मैंने आटे का बनाया है, इसमें थोड़ी देखें कलौंजी भी डली। अब ये थोड़ा थोड़ा कर उसको एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना, जब गाढ़ा लगेगा तो फिर मैं इसे पानी ऐड कर दूँगा। कितनी खूबसूरत कलर आया इसका। इसके अंदर मैंने गार्निश किया, ये अदरक डाली है बारीक काट के, हरी मिर्चें हैं ये, और रोगन ऊपर से डाल दिया जो आपको दिखाया था ना, मैंने रोगन अलहदा निकाल लिया, अब ये रोगन मैंने अलहदा से डाला है। और अब आप इसे गरम गरम नान के साथ, गरम गरम नान के साथ आप खाइए, देखिए ईद का कैसा मज़ा दोबाला हो जाएगा इंशाल्लाह।